तो नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो सबके लिए, जितने बंदे देख रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों डाटा केवल मैं बनाने के लिए बताऊंगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, डाटा केवल तो क्या चीज़ में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है। तो दोस्तों हर घर में मोबाइल है, हर घर में सभी कोई मोबाइल यूज करते हैं लगभग। तो दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों फटाफट एक लाइक तो कर सकते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूं। और ऐसा कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, जरूर मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज मेरे पास ये टाइप सी डाटा केबल है दोस्तों, ये टाइप सी है डाटा केबल दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, जो मूसा चूहा जो भी बोले दोस्तों, ये काट चुका है दोस्तों ये तार। तो दोस्तों वो बंदा जो है दोस्तों मेरे पास दिया, आई मीन मेरा भी नहीं है, ये दूसरे का है। तो वो बोला कि देखिए ऐसा बात है तो मैं क्या करूँ, डाटा केबल दे दीजिए। तो हम बोले कि यार इसको फेंक क्यों रहे हो, खुद से आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आज ये मैं बता देता हूँ आपको, ताकि ऐसा कोई कंडीशन हो तो आप खुद से ठीक कर सकते हो। एट फर्स्ट दोस्तों आप डाटा केबल लेने के लिए जाओगे मार्केट में दोस्तों, तो आपका ओरिजिनल तो मिलेगा नहीं। ओरिजिनल लोगे तो फिर जान रहे हो कि आपको क्या जाना पड़ेगा, रेट भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इससे अच्छा दोस्तों थोड़ा मेहनत लगे, खुद से ठीक कर सकते हो आप। तो आप क्या करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट यहाँ से काट देना है। तो दोस्तों मेरे पास इससे जो है मैं काट दिया दोस्तों, अब ये भी तो कटा हुआ है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहीं कहाँ कहीं तो कटा हुआ नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ भी कटा हुआ है दोस्तों। ये तो गजब मतलब अजीब तरह से कटा गया है हमारे मूसा महाराज जी, मूसा चूहा जो भी बोलते हैं आप लोग। तो दोस्तों अब तो कहीं नहीं कटा हुआ मेरे ख्याल, देखिए दोस्तों उफ बहुत गलत किया है। ऐसे है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप काट भी सकते हो दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो काट देते हैं, थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्या दिक्कत है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों आपके साथ अगर कोई कंडीशन हो तो आप खुद से कर सकते हैं। और दोस्तों आप एक बात का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, आप जब भी मोबाइल चार्ज करते हो दोस्तों, तो सिंगल चार्जर से सिंगल मोबाइल चार्ज कीजिए, आई मीन चार्जर नहीं डाटा केबल से, सॉरी चार्जर में कोई भी डाटा केबल लगा के आप कोई मोबाइल चार्ज कर सकते हो दोस्तों, मगर डाटा केबल जो रहता है दोस्तों वो सिंगल मोबाइल के लिए सिंगल डाटा केबल यूज कीजिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, आप कटर से भी काट सकते हो, ब्लेड से भी काट सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों ये जो है छिला गया है, अब सेम ऐसा ही इसके साथ भी करना है दोस्तों। मेरे पास सोल्डिंग आयरन है, इसलिए दोस्तों सोल्डिंग आयरन से कर रहे हैं। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो दोस्तों 443 में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक है दोस्तों रेड है, वाइट है, ग्रीन है, उसके बाद ये आपको वायलेट हो गया दोस्तों, है ना, ग्रे। तो दोस्तों ये चार को है, चारों चार तरह से दोस्तों लगेगा। तो इसको लगाएंगे कैसे दोस्तों, ये भी देख लीजिए आप, सही से लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा छोड़े पकड़ेगा नहीं दोस्तों। और चारों तार का दोस्तों आप मतलब कनेक्शन करें, ताकि आपका दोस्तों कभी जो है आप कंप्यूटर में भी दोस्तों आप इससे नेट कनेक्ट करोगे तो भी नेट कनेक्ट होगा, डाटा जो ट्रांसफ़र होता है दोस्तों वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चारों का को जोड़ देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब दोस्तों जो भी है ये सब हम क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, अब सारा को छीलना है। अगर दोस्तों आपका सोल्डिंग आयरन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ब्लेड से कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों सभी को ऐसे ही छीलना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने तो ये छील दिया सारा तार दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब जोड़ने का क्या तरीका है दोस्तों ये सीख लो आप। अब ऐसे जो सारा तार को जोड़ना है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों हटा के दोस्तों, ये देख लो दोस्तों हटा के इसको जो दोस्तों सेम एक दूसरे में दोस्तों ज्वाइंट करना है, ये देख लो आप। और सही से टेप मार देना दोस्तों, ये ज्वाइंट दोस्तों ये परफेक्ट ज्वाइंट भी होता है दोस्तों। अगर सोल्डिंग आयरन है तो सोल्डिंग भी कर सकते हो दोस्तों, ऐसे सारा को करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने सारा को जोड़ दिया दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब आपके पास टेप है दोस्तों तो हटा हटा के टेप मारे दोस्तों, ताकि एक दूसरे में सटे नहीं दोस्तों, एक बात का जो ध्यान रखिए दोस्तों, सटेगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मेरे पास सोल्डिंग आयरन था दोस्तों, हम सोल्ड भी कर सकते हैं, तो सोल्ड कर ही देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों, करने में क्या जाता है, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत है नहीं तो है तो कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों सोल्डिंग भी कर दिया मैंने, अब क्या करना है दोस्तों, टेप मारना है। तो टेप कैसे मारना दोस्तों, तो आपको तो ध्यान बता दिया दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखे कि दोस्तों एक दूसरे में टच ना हो। दोस्तों मेडिकल टेप है,
आप नॉर्मल टेप भी जो प्लास्टिक आता है दोस्तों वो टेप भी आप लगा सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है दोस्तों कि वही टेप लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये दो तो छोड़ दिए दोस्तों, क्या करना है दोस्तों देखिए, डालने का इसमें टेप दे सकते हैं दोस्तों मगर थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो एक क्या करना है दोस्तों, एक टेप वाला और एक विदाउट टेप वाला दोस्तों, एक इधर कर देते हैं, एक टेप एक विदाउट टेप वाला इधर कर देते हैं, और एक ये ज्वाइंट करके दोस्तों इसमें अच्छा से दोस्तों टेप मार के, और क्या करना है दोस्तों आग से थोड़ा दोस्तों माचिस से थोड़ा सा ये कर देना, देख लीजिए आप मैं कैसे करता हूँ। तो दोस्तों ये बिजली का टेप रहा दोस्तों, इसे करते हैं। तो दोस्तों इसमें टेप तो मार दिया मैंने, अब क्या करना है दोस्तों थोड़ा सा माचिस से दोस्तों, अगर आपके पास होल्डगन है तो होल्डगन से कभी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो माचिस का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर अच्छा से दोस्तों माचिस से आप और भी एक माचिस जला के थोड़ा इधर भी डाल सकते हैं दोस्तों अच्छे से। दोस्तों तो ये जो दोस्तों हो चुका है, अब क्या करना है दोस्तों, चेक करना है चार्ज हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों इस मोबाइल को अब चार्ज में लगा के देखते हैं दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों डाटा केबल, ये डाटा केबल किए हैं दोस्तों, अब इसको चार्ज में लगा के देखते हैं होता है क्या नहीं चार्ज। तो देखिए दोस्तों ये चार्ज शो कर रहा है दोस्तों, इंडिकेट कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट पर जरूर बताएं दोस्तों, थैंक यू।